पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनुषा है और आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। आई एम डाउ ग्रेजुएट, आई डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी एंड आल्सो माय डिप्लोमा डर्मेटोलॉजी फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। करेंटली आई एम डूइंग माय क्लिनिक इन डर्म एमडी केयर क्लिनिक गुलशन ब्रांच। आज जो है वो हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि धद्दर, जिसको आम जबान में या फिर रिंग वॉर्म कहा जाता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है ये कॉमन मसला होता है। अमूमन जो है ये पूरे जिस्म में कहीं भी जो है वो पाया जा सकता है, सर से लेकर पांव के नाखून तक। शक्ल जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इसकी मुख्तलिफ होती है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो अमूमन जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, ख़ास तौर पे अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स में, अंडर ब्रेस्ट में और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में रिंग्स की सूरत में इसके लाल निशान होते हैं, जिसमें शदीद ख़ारिश होती है और पसीना आने की सूरत में इसकी ख़ारिश में इजाफा हो जाता है। छोटे छोटे दानों की सूरत में ये नमूदार होता है और अमूमन जो है ये फैलता चला जाता है। बीच में से जो है वो इसकी रंगत दोबारा जेल जैसी हो जाती है और ये किनारों की तरफ से जो है वो बिल्कुल एक अंगूठी नुमा यानी कि एक छल्ले की सूरत में जो है ये फैलता चला जाता है। अच्छा, इसमें जो है वो आपको करना ये है कि एहतियात सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है वो एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी होती है। तो पसीना आने की सूरत में आपको जो है वो फ़ौरन नहाना है, पसीने और गर्म जगहों पे आपने कम से कम रहना है, अपना साबुन अपना तौलिया जो है वो अलग रखना है अगर आपको इस तरीके का मसला है। ख़ारिश जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ख़ारिश करने से जो है वो अमूमन ये जरासीम जो है वो इसके अगर आप उस जगह ख़ारिश करें और फिर कहीं और जगह हाथ लगा दें तो वो नाखून की सूरत में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ये निशान जो है वो फैल जाते हैं, एक से दूसरे को भी लगते हैं। अगर पब्लिक एरियाज़ में है तो आपने जो है वो कमोट बाथरूम का इस्तेमाल कम से कम करना है ताकि कॉन्टैक्ट कम से कम हो। इस तरीके से जो है वो इससे बचा जा सकता है। अगर जो है वो आपको इस तरह का मसला है तो आप जो है वो अपने करीबी माहिर अमराज को दिखाएं ताकि जो है वो इसके मुताबिक जो है वो क्रीम या टैबलेट्स वो दे सकें। अच्छा, इसमें जो है वो आपने स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कोई भी रिश्तेदार या पड़ोस में या मोहल्ले वाले अगर कोई दवाई आपको बताता है तो बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के अपनी मर्ज़ी से कोई क्रीम इस पर नहीं लगाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो है यही निशान जो है वो चेहरे पे भी नमूदार हो जाते हैं, उसमें जो है वो शदीद ख़ारिश होती है, ऐसे ही जो है वो छल्ले की नुमा निशान होते हैं और उसमें जो है वो गर्मी पसीने से बढ़ते हैं। उमूमन देखा गया है कि ख़वातीन में ये ज़्यादा होता है, मर्दों में भी अगर आप जो है वो किसी बारबर या फिर हजाम के पास जा रहे हैं तो खुदा अपना तौलिया या फिर जो दीगर लवाजमात होते हैं शेविंग के वो अपने साथ लेकर जाया करें। अगर ख़वातीन जो हैं वो मेकअप करने के लिए किसी पार्लर जा रही हैं तो अपने साथ स्पंजेस और मेकअप के ब्रशेस जो है वो साथ ले जाया करें, किसी और का टॉवल ना इस्तेमाल करें। गीले स्पंजेस और गीले ब्रशेस को जो है वो खुदारा वॉश करके और सुखा के जो है वो रीयूज़ करें और सिर्फ अपना ही इस्तेमाल करें। सेम गोज़ विद द नाखून, नाखूनों में भी जो है वो इसी तरीके से फैलता है। अमूमन जो है वो ख़वातीन मैनीक्योर और पेडिक्योर कराने के लिए पार्लर जाती हैं और वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसी से जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो नाखूनों का इन्फेक्शन जो है वो पेडिक्योर और मैनीक्योर के जो क्लाइंट्स होते हैं उनमें देखा गया। उसके अलावा जो है वो जो लोग बहुत ज़्यादा गीला काम करते हैं, नमी में रहते हैं, उनमें भी जो है वो हाथों में फंगल इन्फेक्शन होता है। नाखूनों की जो है वो रंगत बिल्कुल बदल जाती है, बाज़ औक़ात पीले रंग का या काले रंग का या फिर सफ़ेद पाउडर नुमा जो है वो नाखून हो जाते हैं, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो है फंगल इन्फेक्शन हाथों और पाँव में भी देखा गया है। अमूमन जो है वो लोग जो पुराने जूते ख़रीद के पहनते हैं या फिर जो लोग 12 से 14 घंटे बंद जूतों में रहते हैं, मोज़े प्योर कॉटन के ना पहनने की वजह से या फिर जो है वो मोज़े आप रोज़ाना धोते नहीं हैं, वही पहना हुआ मोज़ा दोबारा पहन लेते हैं, तो उन लोगों में भी जो है वो पाँव के फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो है वो चीज़ों को अवॉइड करना है। जूतों को जो है वो हफ्ते में एक बार ज़रूर आपने धूप में सुखाना है, मोज़े जो है वो आपने रोज़ाना वॉश करके पहनने हैं और प्योर कॉटन के सॉक्स पहनने हैं। पाँव को जो है वो खुश्क रखना है, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो आपने खुली और हवादार चप्पलें पहननी है। अल्टीमेटली आपने जो है वो किसी माहिर अमराज के पास जाकर इसकी दवाइयाँ लेनी हैं।
अच्छा, उसके अलावा जो है ये इन्फेक्शन जो है वो सर में भी हो जाता है। उमूमन जो सर में टीनिया का इन्फेक्शन जो है वो बच्चों में देखा गया है। ये उमूमन जो है वो उनमें देखा गया है जिनके घर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम या फिर रेती बजरी का काम हो रहा हो, या जिनके घर जो है वो कोई पालतू जानवर हो, या फिर जो है वो बकरियाँ गाय या मुर्गियाँ पाई जाती हैं, तो उनके घर जो है वो बच्चों को उमूमन सर का टीनिया इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, इसमें होता यह है कि बाल जो है वहाँ से झड़ना शुरू हो जाते हैं गोल निशान की सूरत में, छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स या फिर वाइट पाउडर की सूरत में जो है वो जमा हुए होता है। इसका जो है वो अल्टीमेटली हल यही है कि आपने जो है वो डॉक्टर से दवाई का कोर्स मुकम्मल करना है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो अगर आप समझें और एहतियात करें तो फिर जो है वो चीज़ें पहले ही स्टेप में ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो फिर अगर नहीं हो पा रही हैं तो आपने जो है वो किसी से मशवरा नहीं लेना, आपने सीधा जो है वो डॉक्टर के पास आना है। अगर आप जो है वो इन तमाम मसाइल से या इनमें से किसी एक मसले से दो चार हैं तो आप जो है वो मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं थ्रू ऑलर डॉक, या फिर वॉक इन ओपीडी भी हो सकती है। मैं डर्म एमडी केयर क्लिनिक गुलशन ब्रांच जो वाक़ है गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 नियर केटीए मार्केट में, वहाँ बैठती हूँ डेली मंडे टू सैटरडे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।